गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 11। टॉपिक हमारा था बेटा हाइपरबोला, और 11.4 एक्सरसाइज में एक भी सम हमने नहीं किया। पिछली बार दो इक्वेशन सीखे थे, और इक्वेशन में मेजर अक्सिस एक्स अक्सिस हो, मेजर अक्सिस वाई अक्सिस हो, वही इलिप जैसे दो पोर्शन थे। तो आज हम बेटा एग्जाम्पल करेंगे, तो हमको पता चले कि क्या करना है उसमें। तो क्वेश्चन इज दैट इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेके 6 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, एक तो फोसी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, एंड द वर्टाइसिस, दूसरा क्या ढूंढना है, वर्टाइसिस। देन आफ्टर द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। टोटल 4 चीज हमको ढूंढनी है। क्वेश्चन 1 क्या है, तो एक्सरसाइज 1.4 नंबर 1, x² / 16 माइनस y² / 9 इज इक्वल टू 1। x² / 16 माइनस y² / 9 इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले x है तो हमारी मेजर अक्सिस x होगी। यहाँ पे तो सिंपल रूल्स है, तो मेजर अक्सिस अक्सिस इज इक्वल टू एक्स, तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या कंपेरिजन करोगे, x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ, हमारा a² इज इक्वल टू 16 और b² इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। मिल गया ए बी हमको, चलो ए बी मिला, तो फ्यूचर में फोसी के लिए सी चाहिए। तो रिलेशन इज दैट c² इज इक्वल टू a² + b² तो 16 + 9 दैट मीन्स 25। चलो अब ढूंढना क्या है, सबसे पहले फोसी एफ। सो अकॉर्डिंग टू द मेजर अक्सिस एक्स, वी राइट डाउन दैट प्लस और माइनस c0। तो आंसर क्या है, एफ प्लस और माइनस 50, c² 25 है तो c 5। नंबर 1 रेडी। देन आफ्टर वर्टाइसिस ए या बी, जो भी नाम दे लो, तो प्लस और माइनस a0 आएगा। तो वर्टाइसिस ए क्या बनेगा, ए हमारा है 16, तो प्लस और माइनस 40। चलो एफ रेडी, ए रेडी। देन आफ्टर एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू c/a, तो सी दैट मीन्स 5, ए दैट मीन्स 4, तो 5/4। एंड लेटस रेक्टम LR इज इक्वल टू 2b² / a, तो 2b² 9, a दैट मीन्स 4, तो 2 + 2, तो आंसर इज 9/2। क्या आंसर आया, 9/2। बिल्कुल सिंपल, जो चीज़ बोली है उसी को कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको, y² / 9 माइनस x² / 27 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, y² / 9 माइनस x² / 27 इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, पहले y है तो मेजर अक्सिस y होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजर अक्सिस इज इक्वल टू y। मेजर अक्सिस क्या है, y, तो मेजर अक्सिस हम मतलब कि क्या कर दे, y लिख दे। तो आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा, y² / a² माइनस x² / b² इज इक्वल टू 1। तो नाउ a² इज इक्वल टू 9, b² इज इक्वल टू 27, तो a² 9, तो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, बी इज इक्वल टू 27, तो 9 + 3, तो प्लस और माइनस 3√3, 9 का √3 निकल जाएगा और 3 बच जाएगा। a² b² के बाद हमारा रिलेशन c² इज इक्वल टू a² + b², a² 9 है, b² 27 है, तो 27 + 9 = 36, दैट मीन्स c इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। ए बी सी तीनों रेडी, तो टारगेट फोसी एफ इज इक्वल टू मेजर अक्सिस वाई है बेटा, तो 0 + or - c,
दैट मीन्स 0 ± 6। वर्टाइसिस ए तो 0 ± 1 दैट मीन्स 0 ± a क्या है 3। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाय ए तो C6 a 3 आंसर 2। लेटस रेक्टम LR इज इक्वल टू 2b² / a क्या इक्वेशन है 2b² / a पुट दी वैल्यू 2b² क्या है 3√3 और a क्या है हमारे पास 3। चलो 3 कैंसल आंसर 2√3 इज द परफेक्ट एंड राइट आंसर। गुड आ गया समझ में क्लियर। चलो तो 2b² / a के साथ चेक करते जाना बेटा कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं है ना, वरना मतलब कि आंसर गलत है। यस एक दिखी मिस्टेक मेरे को अभी। बी स्क्वेयर है 27 और हम 3√3 लिख के बैठे थे, बी नहीं लिखना है बी स्क्वेयर लिखना है। तो बी स्क्वेयर है 27 और ए क्या है 3, तो 3 × 9 × 2 दैट मीन्स 18। ओके ये कभी कभार जल्दबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है और सही से ध्यान देके करना है, क्योंकि आपकी मिस्टेक निकालने वाला एग्जाम में कोई नहीं होगा। और अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लाइव वीडियो देख रहे हो, लाइव लेक्चर पढ़ रहे हो, तो मेरी मिस्टेक निकालने वाला भी कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के वर्कआउट करना है। 3, 4, 5, 6 सेम पैटर्न के 1, 2 के जैसे ही, पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंजेस है। जैसे 9y² - 4x² नहीं आगे आप सीख चुके हो, 9y² - 4x² इज इक्वल टू 36। सामने कंपलसरी 1 चाहिए, xy के साथ कुछ ना चाहिए, तब जाके हमारा हाइपरबोला बनेगा। 36 से सभी को डिवाइड करो, तो 9y² / 36 4x² / 36 इज इक्वल टू 1। इसको करोगे तो y² / 4 x² / 9 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। वैसे हमने 2 पैटर्न सीख लिए, नया कुछ नहीं आ सकता। y² / 4 y आगे है तो मेजर अक्सिस y, केस नंबर 2। ओके नंबर 4, यहाँ से आपको आगे होमवर्क में बढ़ाना है बेटा। ओके बिल्कुल सिंपल है, वही x² / y² - x² / b² इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है। वैसे ही नंबर 4 को थोड़ा आगे बढ़ाए, 16x² - 9y² इज इक्वल टू 576। तो 16x² / 576 -9y² / 576 और इधर 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके कैंसिल करो, 576 को 16 से डिवाइड करो, 576 / 16 आंसर 36। तो x² / 36 -y² 576 को 9 से डिवाइड करो तो 64। y² / 1 अभी हो गया बिल्कुल कंप्लीट। x² / a² - y² / b² मेजर अक्सिस x और सिंपल कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, 6 के 6 सम सेमी पैटर्न के हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 2 है, तो 6 में से 2 पैटर्न दैट मीन्स 3 पहली पैटर्न के 3 दूसरी पैटर्न के अल्टीमेटली होने वाले ही है। आगे की बात करें तो सेम ऐसे ही बेटा नंबर 5 एंड नंबर 6 भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की पैटर्न कंप्लीट, कि हमें इक्वेशन दिया हो और उसके ऊपर से वर्टाइसिस, फोसी, लैटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी एसेट्रा एसेट्रा जो भी ढूंढना है। सेकंड फेज में ऐसा है 7 से लेकर 15 तक में, उसमें आपको वर्टाइसिस, फोसी, मेजर अक्सिस, माइनर अक्सिस ऐसा सब कुछ दिया है एंड आपको डिसाइड करके इक्वेशन ढूंढना है। क्वेश्चन का टाइटल है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड करे ऐसा हाइपरबोला का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो नंबर 7 वर्टाइसिस क्या है, नंबर 7 वर्टाइसिस हमको दिए है ±20 ए ही नाम देते हैं, वर्टाइसिस ए ±20। ओके फिर आपको दिया हुआ है फोसी ±30 तो F ±30
फोसी डिसाइड कर देगा, फोसी एंड वर्टाइसिस दोनों डिसाइड कर देगी हमारी मेजर अक्सिस कौन है, एक्स है कि वाई है, एक्स कंपोनेंट है तो मेजर अक्सिस एक्स है। तो इक्वेशन बनाने में इजी रहे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वर्टाइसिस हमको ए देगा तो ए हमारे पास टू, फोसी हमको सी देगा तो सी हमारे पास थ्री, क्योंकि वर्टाइसिस और फोसी दोनों के इक्वेशन आपने देखे हैं। ए और सी मिला बेटा तो बी मिल सकता है, इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर नाइन और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो फोर, नाइन माइनस फोर फाइव, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया फाइव। स्टैंडर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्सिस हमें तो ए बी ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। डालो वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टू है तो फोर, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फाइव इज इक्वल टू वन। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रेडी थे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, सीधा आंसर आ गया, कंप्लीट। बस छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाला नहीं करना। सेम ऐसे कॉपी पेस्ट नंबर एट, नंबर नाइन, व्हाट अबाउट नंबर एट। गिवन डेटा इज वर्टाइसिस जीरो प्लस और माइनस फाइव, तो ए जीरो प्लस और माइनस फाइव, फोसी एफ क्या है जीरो प्लस और माइनस एट, फोसी एंड वर्टाइसिस दोनों डिसाइड करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो मेजर एक्सिस वाई होगी, तो पहले लिखो बेटा मेजर एक्सिस इज इक्वल टू वाई, मेजर एक्सिस तुम्हारी क्या है वाई है, वाई है तो कोई बात नहीं, देगा तो वो ए ही, ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाइव, सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस एट, प्लस और माइनस नहीं डायरेक्टली फाइव एंड एट लिखोगे तो भी चलेगा, तो ए हो जाएगा फाइव, सी हो जाएगा एट, ए और सी दोनों रेडी है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी ढूंढने के लिए क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 64 ए स्क्वायर 25 बी स्क्वायर ढूंढना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25, 64 माइनस 25 आंसर 39 क्या है 39। मेजर एक्सिस बेटा वाई लिखा है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो व्हाट अबाउट वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 25, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 39 इज इक्वल टू वन। इतना सिंपल है, एक बार पीछे आंसर वेरीफाई करते हैं कि सच में यही आंसर आया कि नहीं, तो थोड़ा हमको भी पता चले और आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करें। कौन सा नंबर है एट, वाई स्क्वायर बाई 25, एक्स स्क्वायर 39, बिल्कुल सही है। चलो नंबर सेम वे बेटा नंबर नाइन, क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन, उसमें भी ऐसा है वर्टाइसिस ए जीरो प्लस और माइनस थ्री एंड फोसी सी एफ जीरो प्लस और माइनस फाइव। बोलो हो जाएगा अपने आप होमवर्क में, क्यों, क्योंकि कॉपी है पूरा का पूरा नंबर एट का, मेजर एक्सिस वाई है, ए मिलेगा, सी मिलेगा, बी मिल जाएगा और फिर फटाफट क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, 15 सम ही है, उसमें 9 तक तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। एक्सरसाइज 11 तो वैसे भी नहीं आती थी बोर्ड में, कैंसिल थी, ओके, और इस बार भी गवर्नमेंट ने वही एक्सरसाइज निकाली है सिलेबस में से, तो हमें यही एक्सरसाइज लास्ट देखनी है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो कल के वीडियो में बेटा बाकी सारे सम भी कंप्लीट कर देंगे, वरना क्या होगा अभी एक सम और लेने जाएंगे तो कल बिल्कुल छोटा वीडियो रहेगा, उससे बेटर 200 में डिवाइड करके नेक्स्ट डे फिर हम चैप्टर नंबर 12 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए सम नंबर 9 तक बिल्कुल सिंपल, 1 से लेके 6 तक ये था इक्वेशन है, हमें फोसी वर्टाइसिस ढूंढना था, और नंबर 7 से लेके वर्टाइसिस फोसी मेजर माइनर एक्सिस ऐसा कुछ दिया है और हमें इक्वेशन ढूंढना, क्लियर। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वैसे पूरा चैप्टर ही इजी है, तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, कैलकुलेशन और होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।